हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, एट क्लास साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने लास्टली जो पढ़ा था वो टॉपिक था जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो हमारे लिए भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है हार्मफुल हैं, और क्या करते हैं हमारा खाना वगैरह भी जो है स्पॉइल कर देते हैं। तो खाना जो स्पॉइल कर देते हैं, अगर वो खाना हम खाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर हम खराब खाना स्पॉइल्ड फूड अगर हम ईट करते हैं तो हमें वोमिटिंग या हमारे एब्डोमेन में पेन यानी कि पेट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है या वोमिटिंग हो जाती है। ये किसके लक्षण हैं, फूड पॉइजनिंग के। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, स्पॉइल्ड फूड अगर हम खाते हैं तो। ठीक है, जिसको कौन स्पॉइल कर रहा है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, फूड को की सुरक्षा बनाए रखना यानी कि फूड को सुरक्षित रखना, उसको बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना, उसकी जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से बचा कर रखना, उसको बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम खाना खराब खाना खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसके जैसे वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन हमें हो सकता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, सेल्मोनेला और क्लोस्ट्रिडियम, ये नाम है उन बैक्टीरिया के जो क्या करते हैं, मेनली फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं, यानी कि फूड को खराब करने का काम मेनली कौन करता है, सेल्मोनेला और क्लोस्ट्रिडियम। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रिजर्वेशन तो करना है, फूड को बचाना तो है, पर वो कैसे, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते भी हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, ये मेथड्स हैं जिनका हम घरों में भी यूज करते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका एक्चुअल नेम है क्या, जो हम ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं। जैसे ड्राइंग होता है, हमें पता है कि जो स्पाइसेस होते हैं, वेरियस मसाले होते हैं, और मेथी वगैरह, मेथी होती है कि आप देखते हो, मेथी जो है वो हरी मेथी भी होती है जो सब्जी में हम जिसकी सब्जी बनाते हैं, और दूसरी कौन सी मेथी होती है जो सब्जियों में डलती है, सूखी मेथी। ठीक है, जो क्या होती है, सूखी मेथी होती है, वो क्या होती है, वो कैसे होती है, वो ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू होती है, उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके अंदर जो पानी है उसको सुखा के सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश की वजह से किरण उसको सुखा करके उसको क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन करवा दिया जाता है, यानी कि उसको ड्राई करवा दिया जाता है, सूखा बना दिया जाता है। ठीक है, जिससे उसको लंबे समय तक बचा के रखा जा सके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम धूप में सुखा करके अपने मसालों को या मेथी लीव्स को, ठीक है, उनको सूखा बना देते हैं, जिससे उनको काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, कहाँ पे, सनलाइट में। उसके बाद आता है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। ये तो आमतौर पे सभी को पता ही है, फ्रिज में और रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, अपने मिल्क को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स वगैरह को रखकर, फ्रूट्स वगैरह को क्या करते हैं उनको, ताकि वो लंबे टाइम तक सेफ रहें। ठीक है, एक या दो दिन आराम से निकाल देते हैं ताकि वो, इसीलिए उनको रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के थ्रू रखा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेस्चराइजेशन। क्या जाता है, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है, ये होता है टू प्रिजर्व मिल्क, हनीज, बियर, जूस, इन सभी को जो है बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेस्चराइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम 70-80 डिग्री सेल्सियस पर जो है अपने फूड को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको 20-30 सेकंड के लिए पकाते हैं, सिर्फ 20-30 सेकंड के लिए उसको 70-80 डिग्री पर गर्म किया जाता है, और उसके बाद एकदम उसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, उनको किल करने के लिए प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 60-70 डिग्री सेल्सियस पर 30-40 सेकंड या 20-30 सेकंड तक गर्म किया जाता है फूड को, और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है पॉस्चराइजेशन। और ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है लुईस पैस्चर। ठीक है, क्या नाम है, लुईस पैस्चर।
उसके बाद आता है साल्टिंग साल्टिंग एंड एडिंग शुगर। ठीक है, हमारे पिकल्स हैं, अचार हैं, मीट हैं, फिश वगैरह हैं, इनके अंदर इनको लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं उनमें, नमक या शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है, साल्ट और शुगर ऐड करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स का यूज करके हम अपने जैम्स हैं, कैचअप्स हैं, जो जैम्स ब्रेड के ऊपर लगा के सुबह खाते हो या कैचअप्स जो लगा के खाते हो, ठीक है, मीठा मीठा, वो कैसे सुरक्षित है लंबे टाइम तक, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे लंबे टाइम तक। उसके बाद कैनिंग प्रोसेस है, कैन के अंदर एक छोटी सी कैन लेकर के उसके अंदर क्या करना, उसको जो भी हमारा फूड है उसको क्लोजली पैक कर देना। ठीक है, उसको क्लोजली पैक कर देना और बहुत ही गर्म, मतलब काफ़ी 120 130 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं और पैक करने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, पूरा कम्प्लीटली सील्ड होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं घुस पाते और ये लंबे टाइम तक सेफ रहता है। हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो इसी फिनोमिने पर एक कैन के अंदर डाली जाती हैं ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा सके। ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है अगर उसको ना खोला जाए, जब तक हम उसको अच्छी तरह उसकी सील को नहीं तोड़ते तब तक उसको कितने भी लंबे वर्षों तक उसको हम रख सकते हैं कैन के अंदर। ठीक है, वो खराब नहीं होगी, तो ये भी प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मेथड है। उसके बाद आता है बाय वैक्यूम पैकिंग, जो स्नैक्स हैं हमारे, चिप्स वगैरह आप लोग खाते हो, ठीक है, कुरकुरे वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो पैकेट के अंदर वो बंद आती है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम मतलब उसके अंदर से एयर सारी बाहर निकाल ली जाती है और अंदर जो है उसके एयर नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है और स्नैक्स उसके अंदर लंबे टाइम तक, सालों तक भी खराब नहीं होते। ठीक है, इसी प्रोसेस के कारण, बाय वैक्यूम पैकिंग के कारण उसके अंदर वैक्यूम पैक कर दिया जाता है नाइट्रोजन या कोई नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये थे मेथड्स जिनके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है, सुरक्षित रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड सो एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला, नाइट्रोजन की फिक्सिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू क्लास।